उसके सिर से गुजर गई मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला के ऊपर से आधी ट्रेन गुजर गई, लेकिन उस महिला को खरोंच तक नहीं आई। देखने सुनने वालों के लिए यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। महिला जिंदा है और पूरी तरह स्वस्थ भी। कोई इसे चमत्कार कह रहा है तो कोई इत्तेफाक। गुरुवार को पुल नंबर एक पर रोज की तरह ट्रेनों की आमदरफ जारी थी, तभी करीब 1:30 बजे वहां से गुजर रही गोंडवाना एक्सप्रेस के इमरजेंसी ब्रेक लगाने की आवाज गूंजी। ट्रेन रुक गई और ट्रेन का ड्राइवर यहां वहां दौड़ने लगा। उसने एक बोगी के नीचे कुछ देखा और अवाक रह गया। उस बोगी के नीचे एक महिला लेटी हुई थी और उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थी। ड्राइवर ने चारों ओर आवाज लगाई और देखते ही देखते वहां मजमा लग गया। महिला को बोगी के नीचे से निकालने में रेल प्रशासन को घंटों लगे। महिला पूरे समय बेहोश रही। पहियों के बीच से महिला को बाहर लाने में अधिकारी कर्मचारियों को पसीना आ गया। महिला को इसी हालत में रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शाम को उसे होश आ गया तो पुलिस ने उससे पूछताछ की। मोहनाका की रहने वाली मुन्नी बाई ने रेलवे पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वो रेलवे कॉलोनी से आ रही थी, तभी किसी ट्रेन का भोंपू तेज आवाज के साथ बजा। वो उस तरफ देखने लगी, तभी उसके पास से गुजर रही ट्रेन से टकरा गई और उसके नीचे आ गई। महिला के इस बयान से पुलिस राजी नहीं है।